नमस्कार मित्रों, गुटन टाक, कैसे हैं आप लोग? सो थैंक यू वेरी मच, आप बड़ा वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और उनको पसंद कर रहे हैं, आपके कमेंट्स मिल रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही देखते रहिए तो बड़ा प्रोत्साहन मिलता है उससे। तो आज जो वीडियो है वो है नंबर्स पे। एक वीडियो मैंने पहले बनाया है नंबर्स पे, वहां पे हमने 0 से लेके 100 तक की जो काउंटिंग है वो सीखी थी। आज 100 से आगे की बात करेंगे, तो ठीक है, टॉपिक रहेगा नंबर्स लेकिन 100 से आगे की बात होगी। आज देखते हैं कहां तक कर पाते हैं हम लोग। तो मैं हेडिंग वापस से डाल रहा हूं आपको, डी सालन का मतलब हो गया था नंबर्स। तो सबसे पहले देखो 100 को हमने लिखा था 100। नंबर्स बहुत ही आसान है जर्मन में, तो 100 हिंदी की तरह बिल्कुल 100। 100 को क्या बोलूंगा? 100। 200 में देखो आप, 2 को क्या बोलते हैं? स्वाय। और 100 क्या हो गया? 100, स्वाय 100। 300 क्या हो जाएगा? ड्राई 100। 400 क्या हो जाएगा आपका? फियर। 4 को क्या बोलते हैं? फियर। और 100 को 100, फियर 100। 5 को क्या बोलते हैं? फिंफ। और 100 क्या होगा? 100। 6 को क्या बोलते हैं? जैक्स। 100। 600 क्या हो गया? जैक्स 100। तो दोबारा रिपीट करते हैं एक बार देखो, 100 आइन 100, 200 स्वाई 100, 300 ड्राई 100, 400 फियर 100, 500 500, 600 जैक्स 100। ठीक है, आगे चलते हैं। 700, 7 को हम बोलते हैं जीवन। और 100 हो गया आपका 100, जीवन 100। 800 हो गया आपका आक्ट 100, राइट। 900 हो गया आपका 900। एक नया नंबर आएगा देखिए, आइन थाउजेंड। आइन थाउजेंड, आइन थाउजेंड, 1000, 1000। देखो मिलता जुलता इंग्लिश से, 1000। तो थाउजेंड, 1000 को क्या बोलूंगा? आइन थाउजेंड। तो यानी कि अब आप 0 से लेके 1000 तक का कोई भी नंबर आसानी से लिख सकते हैं। तो कोशिश करते हैं अभी कुछ नंबर्स लिखने की, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आइन 100, स्वाई 100, ड्राई 100, फियर 100, फिंफ 100, जैक्स 100, जीवन 100, 800, 900, 1000। बिल्कुल हिंदी की तरह आपके नंबर्स बहुत ही सरल आसानी से लर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ डिफिकल्टीज लेते हैं, कुछ डिफिकल्ट नंबर्स लेते हैं, उनको लिख के देखते हैं कि हम लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, राइट। तो देखिए, मान लो 411। तो देखो आसान बनाते हैं और इसके टुकड़े कर लेते हैं, 400 प्लस 11। अब 400 को मैं क्या लिखूंगा? 4 को बोलते हैं फियर, और 100 को क्या बोलते हैं? 100। तो क्या हो गया? 400 फियर 100। और 11 को क्या बोलते हैं? एल्फ। तो क्या हो जाएगा? फियर 100 एल्फ। बहुत ही आसान है, 411, 400 क्या हो गया? फियर 100, 11 क्या हो गया? एल्फ। और भी नंबर ले लो कोई भी, आप मान लो 111। तो 111 को छोटा करते हैं थोड़ा सा, 100 प्लस 11 लिख सकते हैं। अब आंसर जब मैं दूंगा तो 100 को क्या बोलूंगा मैं? 100, 100। और 11 को क्या बोलूंगा? एल्फ। 100 एल्फ हो जाएगा आपका। 111 को क्या लिखूंगा? 100 एल्फ। और लेते हैं, 400 ले लिया था, हम ले लेते हैं 551।
तो क्या हो जाएगा 500 प्लस 51, तो देखो 500 को लिखेंगे 500, और 51 है आपका, 51 को लिखेंगे आइन उंड फिम्सिश, आइन उंड फिम्सिश। अगर आपको 666 लिखना है तो 600 प्लस 66 क्या हो जाएगा आपका, 600 को मैं लिखूंगा जेक्स हंड्रेड, 66 से हो जाएगा जेक्स उंड जैशिश। यहां ध्यान देना एस नहीं आता है ना, जेक्स हंड्रेड जेक्स उंड जैशिश। अगर मान लो मुझे लिखना है 771, तो देखिए 700 प्लस 71 नंबर हो जाएगा जीवन हंड्रेड आई नोट जीपशिश, आई नोट जीपशिश। अगर मेल को लिखना है 888, तो देखिए 800 प्लस 88 तो क्या हो जाएगा 800, 8 उंड 8 शिश। अगर आपको लिखना है 999, तो 900 प्लस 99 तो क्या हो जाएगा 9 शिश। तो देखिए नंबर्स बहुत ही आसान हैं जर्मन में, बहुत ही सरल हैं, सिंपल, बिल्कुल हिंदी की तरह। तो 1000 तक का कोई भी नंबर आप आसानी से लिख सकते हैं, ये फॉर्मेट रहेगा आपका। तो अब 1000 से आगे चलते हैं, देखो 1000 को हमने लिखा था आइन थाउजेंड, ठीक है, 2000 स्वाई थाउजेंड, 3000 ड्राई थाउजेंड, 4000 फियर थाउजेंड, 5000 फिंस थाउजेंड, 6 जेक्स थाउजेंड, 7000 जीवन थाउजेंड, 8000 आठ थाउजेंड, आगे चलते हैं 9000 नाइन थाउजेंड, आगे आपका 10000 तो क्या हो गया आपका सेन थाउजेंड। अब 10000 के देखो आगे, 1000 तो आपका थाउजेंड था और 10 यहां पे लिया, तो क्या हो गया आपका सेन थाउजेंड, ठीक है, बिल्कुल हिंदी कर 10000। अब 10000 से जब आगे चलते हैं, मान लो मैं 1 लाख की बात कर रहा हूं, इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस लाख, ओके, तो देखो 5 जीरो आ गई। तो अब 1 लाख बोलते हो आप हिंदी में, लेकिन जर्मन में 1 लाख वर्ड उनके पास नहीं है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको, 100,000, तो जर्मन में भी ऐसे ही बोला जाता है। तो 100 के लिए हमारे पास क्या हो गया 100, और 1000 के लिए क्या वर्ड है 1000, तो क्या हो जाएगा 100,000 हो गया। देखिए 1 लाख को मैं क्या बोलूंगा 100,000। अब चलते हैं 10 लाख की तरफ, मान लो 6 जीरो आएंगी आपकी। अब ये नंबर थोड़ा बड़ा हो गया 10 लाख,
दस लाख के लिए एक नया वर्ड आपके सामने आएगा, वन मिलियन. वन मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख. तो 10 लाख हो गया आपका. देखो इकाई दाई सैकड़ा हजार दस लाख दस लाख. तो 6 जीरो अगर आपके पीछे आ जाती है तो वो लाख हो गया, और एक एक तो क्या हो गया 10 लाख. आई थिंक वो 1 लाख था. इकाई दाई सैकड़ा हजार दस लाख, यस 1 लाख. ये क्या हो गया 10 लाख, राइट. तो अब इसको हम कैसे बोलेंगे? तो इसके लिए अपने पास आएगा आइन मिलियन. क्या हो गया? आइन मिलियन. आइन मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख. 10 लाख को मैं क्या लिख सकता हूं? आइन मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख. अब कोई भी नंबर आप 10 लाख तक आसानी से लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल नंबर लेके देखते हैं अपन आगे. मान लो मुझे लिखना है 78,888, राइट. तो इसको पहले सिंपलेस्ट बनाते हैं, थोड़ा सरल बनाते हैं. देखिए 78 को मैं ऐसे लिख सकता हूं प्लस 800 प्लस 88, तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा. तो देखिए 78 को क्या बोलेंगे? आक्ट आक्ट उंट अप्टन जीपशिश थाउजेंड. देखो 3 जीरो आ रही है, क्या हो गया थाउजेंड. फिर आपका 800 और 88 को क्या बोल दूंगा आक्ट उंट आक्षिश. देखिए नंबर 78,888 1,000. ये तो हो गया आपका, ये नंबर हो गया आपका 78,000. 800 हो गया आपका 800 और 8 क्या हो गया आपका 88. तो बहुत ही आसान है. देखिए आप 8,000 800 8,000. चलो और कोई नंबर ले लेते हैं. मान लो 99,109. तो सिंपलेस्ट कर लेते हैं इसको. प्लस 100 प्लस 909 मान लो. तो देखिए 99,000 तो 9 und 9,109. अब मैं एक टास्क देता हूं आपको. तो कुछ नंबर्स हैं, इन नंबर्स को आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा मेरे को, है ना. तो कुछ क्रिएटिविटी करते हैं हम यहाँ पे. मैं आपको नंबर देता हूँ, आप मुझे लिख के जरूर भेजिए. 61,661 नंबर वन, इसको आपको लिख के भेजना है. नंबर दो 91919 नंबर दो 91,919 वो था पहला आपका 61,661. नंबर तीन आप लिख के भेजिए 51,515. नंबर चार 31,313 और पांचवा है आपका मान लो 21,242. ये 5 नंबर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर आपने सही लिखा तो मेरी जो मेहनत है वो सफल होगी. मुझे ऐसा लगेगा कि आप नंबर सीख गए, ठीक है. तो ये मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट बॉक्स में इन नंबर्स का. तो आप प्लीज ये नंबर्स देख लें एक बार. 61,661 61,661 91,919 91,919 91,919 और 51,515 51,515 51,515 31,313 31,313 एंड 21,242 यानी कि 21,242. तो मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट में नंबर्स का कैसे लिख पाते हैं. अगर आपने सीखा है तो आप जरूर लिख पाएंगे और मुझे पूरा 100% यकीन है कि आप 100% लिख पाएंगे. कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि
मैं आपको दिल से सिखा रहा हूं, आप दिल से सीख रहे हैं, ठीक है? तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। लाइक करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। चूज़।